नमस्कार श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें नामदेव जी के पदों की व्याख्या प्यारे विद्यार्थियों हम विगत वीडियो से कर रहे हैं। और नामदेव जी महाराज जो दक्षिण भारत के प्रमुख संत हैं, निर्गुणपंथी संत है ये, ठीक है। बाद में इन्होंने विठ्ठलनाथ जी की भी सगुण रूप में भक्ति की थी, लेकिन जो मुख्य रूप से नामदेव जी महाराज है वो निर्गुणपंथी है, ज्ञानाश्री शाखा के हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये पद हम देखते हैं, तीन पद हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे जगते दास नियारा ते जन रामे राम समानी प्रणवत नाम देवदास। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद को हम लेते हैं, चौथा पद है ये। और नामदेव जी महाराज ने ईश्वर के नाम स्मरण को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है कि भगवान के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य का कल्याण है, उसका उद्धार उसी से ही हो सकता है। देखिए आगे इस पद में, ऐसे जगते दास नियारा है, चौथा पद है कि ऐसे जगते दास नियारा वेद पुराण स्मृत किन देशो पंडित करहूं बिचारा। दधि बिलोय जैसे घृत लीजे दधि बिलोय जैसे घृत लीजे बहुरी नए कट थाई पावक दार जतन करी काढ़ा बहुरिन दार समाई। पारस परसी लोह जैसे कंचन पारसी परसी लोह जैसे कंचन बहुरिन त्रियंबक होई। आक पलास भेदिया चंदन आक पलास भेदिया चंदन काष्ट कहे नहीं कोई। जे जन राम नाम रंगिराता जे जन राम 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 नाम रंगिराता छाड़ी कर्म की आशा। तेजन राम राम समाने प्रणवत नाम देव दासा प्रणवत नाम देव दासा। प्यारे विद्यार्थी, इस पद को हम देखते हैं। अब प्रस्तुत पद संत नामदेव जी महाराज जी द्वारा रचित है और इसमें संत नामदेव जी महाराज ने ईश्वर के नाम के स्मरण को मुक्ति का आधार बताया है। भगवान के नाम का आधार क्या है? भगवान के नाम का जो आधार है वह मनुष्य की मुक्ति का आधार है। भगवान के नाम का स्मरण है वो मनुष्य के मुक्ति का आधार है। अब देखिए नामदेव जी महाराज क्या कहते हैं कि ऐसे जगते दास नियारा, ऐसे जगते जगते मैंने जगत संसार, दास नामदेव जी महाराज स्वयं के लिए करें ये दास, नियारा मैंने अलग है अनोखा है। वेद पुराण स्मृत किन देशो पंडित करहूं बिचारा। वेद मने वेद, पुराण मने पुराण, स्मृत मने स्मृतियां, वेद पुराण स्मृतियां, ठीक है। वेद पुराण और स्मृत का अर्थ होता है स्मृतियां, ये भी ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। और इनको क्या है किन देशों मैंने देखा, देशो सह षटकोण का आ रहा, तो यहाँ पर इसको हम खे के रूप में हम देख सकते हैं, तो देखो हो जाता है, यानी देशों का देखो, तो देखो पंडित करहूँ बिचारा, पंडित करहूँ मैंने कीजिए, विचार मैंने विचारा, विचारा का अर्थ विचार। देखिए अब इसका अर्थ कि नामदेव जी महाराज कहते हैं पंडितों, हे ज्ञानी पंडितों, तुम विचार करके देखो कि किसी ने आप में से किसी ने भी वेद पुराण स्मृतियों को देखा है। हे पंडितों, हे ज्ञानी लोगों, क्या तुमने कभी विचार किया है कि आपने वेद पुराण स्मृतियों को देखा है? तो नामदेव जी महाराज कहे मैंने तो नहीं देखा, इसीलिए मैं क्या हूँ ऐसे जगते दास नियारा, इसीलिए मैं संसार में सबसे अलग हूँ, अनोखा हूँ, अलग हूँ, नियारा हूँ, अलग हूँ, ठीक है। तो मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो बताओ। हे ज्ञानी पंडितों, जरा विचार करके बताओ कि आपने वेद पुराण स्मृतियों को देखा है? मैंने तो नहीं देखा, इसीलिए मैं इस संसार से सबसे अलग हूँ। अब देखिए आगे, दधि बिलोय जैसे घृत लीजे बहुर ने एकट थाई। दधि मैंने दही, बिलोय का अर्थ होता है बिलोना, घृत का अर्थ होता है घी, लीजिए मैंने लीजिए, बहुरी मैंने बहुरी शब्द आएगा बार बार, बहुरी मैंने पुनः दोबारा, बहुरी का अर्थ क्या होता है दोबारा पुनः,
फिर से कि बाहुरी न मैंने नहीं, एकट मैंने एकत्रित, थाई मैंने होगा। अब देखिए इसका अर्थ, दही को बिलोने के बाद में जैसे घी बाहर निकल जाता है, जिस प्रकार से दही को बिलोकर घी बाहर निकाल लेते हैं, तो फिर बहुरी ने एकट थाई फिर से उस दही से, दही को घी की तरह अलग जो एकत्रित नहीं किया जा सकता, उस दही को अलग एकत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दही बिलोकर के क्या बन जाता है, छाछ बन जाता है। अब उस घी निकाल लिया है तो दही आप पुनः दही बनाना चाहो तो नहीं संभव है, क्योंकि दही बिलो करके छाछ बन जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और पाव के द्वार जतन करी काड्यार बहुरी ने दार समाई, पारस नहीं क्षमा करना मैं आगे चला गया एक पंक्ति, दोबारा देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कि पाव के द्वार जतन करी काड्या बहुरी ने दार समाई। ये देखिए, पावक मैंने अग्नि आग, दार मैंने लकड़ी, दार मैंने लकड़ी, दारा मैंने स्त्री होता है, जतन मैंने यत्न पूर्वक, करी मैंने करके, काढ़िया मैंने निकालना, काढ़िया मैंने निकालना, बाहुरी मैंने पुनः फिर से, न मैंने नहीं, दार मैंने लकड़ी में, समाय मैंने समा सकते हैं। अब देखिए इसका अर्थ कि जिस प्रकार से लकड़ी के द्वारा या लकड़ी पर यत्न करके प्रयास करके जो है उसे आग निकाल सकते हैं, कोशिश कर करके लकड़ी से आग निकाल सकते हैं, ठीक है, जला सकते हैं उसको, लेकिन आग पुनः लकड़ी में नहीं समा सकती। क्या कोई लकड़ी में पुनः आग लगा सकता है? लकड़ी से तो आग बनाई जा सकती है, लेकिन आग जो निकल गई है अर्थात वह लकड़ी राख हो गई है, तो क्या वह आग पुनः लकड़ी में हम समा सकते हैं? जैसे यह असंभव कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही है नामदेव जी महाराज ने कि लकड़ी से आग निकाल तो ली जा सकती है, लेकिन आग पुनः लकड़ी में फिर से नहीं समा सकती, क्योंकि आग, क्योंकि वह आग जो है लकड़ी को राख बना देती है, राख में बदल देती है। इसी प्रकार से देखो उदाहरण और क्या दिया है कि पारस परसी लोह जैसे कंचन और बहुरी ने त्रेबक होई। पारस मैंने, पारस एक पत्थर होता है और उससे कहते हैं कि परसी का अर्थ होता है स्पर्श करना, पारस एक पत्थर है, परसी का मतलब स्पर्श करना, लोहे मैंने लोहे को, जैसे मैंने जैसे, कंचन मैंने सोना, बाहुरी मैंने पुनः या फिर से, नए मैंने नहीं, त्रेम्ब का अर्थ होता है लोहा, होई मैंने होता है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ, जिस प्रकार से पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा क्या बन जाता है, सोना बन जाता है, लेकिन वह सोना बहुरी मैंने फिर से, वह सोना लोहा नहीं बन सकता। समझ में आया? फिर से वह सोना लोहा नहीं बन सकता। आग पलाश भेदिया चंदन काष्ट कहे नहीं कोई, जैसे आग मैंने आंकड़ा, पलाश मैंने पलाश का पेड़, तो जैसे आंकड़ा और पलाश की जो लकड़ी है वो भेदिया चंदन, भेदिया मैंने साथ करने पर, संसर्ग करने पर, चंदन मैंने चंदन के पेड़ का, कि आंकड़ा और आंकड़े का पौधा और जो पलाश का पेड़ है वह अगर चंदन के पेड़ के साथ में साथ करता है, संसर्ग करता है, लेकिन चंदन की लकड़ी को ही चंदन कहेंगे, उनकी लकड़ी को काष्ट कहे नहीं कोई, काष्ट मैंने लकड़ी, कहे मैंने कहता है, नहीं मैंने नहीं, कोई मैंने कोई, कोई भी उन आंकड़े और पलाश के पेड़ की लकड़ी को चंदन नहीं कह सकता, भले ही वह आंकड़े की पौधा या फिर जो पलाश का पेड़ है वो चंदन के पेड़ के पास में उगा क्यों ना हो, उसका संग भले ही क्यों ना किया हो, लेकिन आंकड़े के पौधे और पलाश के पेड़ के लकड़ी को कोई भी चंदन की लकड़ी नहीं कह सकता। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों? इसी प्रकार से आगे देखिए कि जय जन राम नाम रंगी राता छाड़ी कर्म की आशा,
जे मने जो, जन मने व्यक्ति या लोग, राम मने राम नाम, राम नाम में रंगी रहता, मने राम नाम के रंग में रंग जाता है। जो व्यक्ति जो लोग राम नाम के रंग में, राम नाम की भक्ति में जो रंग जाता है तो क्या होता है, छाड़ी कर्म की आशा, छाड़ी मने छोड़ करके, कर्म मने कर्मों की, आशा मने आशा यानी अन्य सांसारिक जो कर्म है उन सांसारिक कर्मों को छोड़ करके जो व्यक्ति राम नाम के रंग में रंग जाता है, राम नाम की भक्ति में रंग जाता है तो क्या होता है, ते जन रामे राम समाने, ते मन वे, जन मन व्यक्ति, रामे मन राम, नाम समाने राम नाम के समान हो जाते हैं। वे व्यक्ति कैसे हो जाते हैं, राम नाम के स्वरूप हो जाते हैं, राममय हो जाते हैं। जो भक्त जो लोग राम नाम की भक्ति में लीन हो जाते हैं, राम नाम की भक्ति के रंग में रंग जाते हैं, वे राम स्वरूप हो जाते हैं अर्थात राममय हो जाते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, समझ में आ गया। प्रणवत नाम देवदासा, पर प्रणवत का अर्थ होता है प्रणाम करना। नाम देवदासा मैंने नाम देवदास, नामदेव है उन लोगों को प्रणाम करता है, उन लोगों को जो लोग राम नाम की भक्ति में, राम नाम की भक्ति के रंग में रंग गए हैं, ऐसे लोगों को ये दास नामदेव प्रणाम करता है। प्यारे विद्यार्थी समझ में आ गया होगा ये पद। ठीक है, तो इस प्रकार से नामदेव जी महाराज है वो भगवान के नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। भगवान का नाम ही सबसे क्या है, श्रेष्ठ कर है। अब देखिए आगे विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है राम नाम के महत्व का प्रतिपादन किया है। नामदेव जी महाराज ने राम नाम के महत्व का प्रतिपादन किया है। और दूसरी बात में ये कहा है कि हे राम मैं तुम्हारा दास हूँ, और इसलिए जो राम का दास है तो नामदेव इस संसार में सबसे अलग है, क्योंकि वह राम के रमने वालों को क्या मानते हैं, जो राम में रमने वाले हैं, राम के रंग में रंगने वाले हैं, ऐसे लोगों को पूज्य मानकर उन्हें दासवत प्रणाम करते हैं। इसीलिए राम नामदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास रूपक उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अब देखिए अर्थ, अगला पद, कपट में न मिले गोविंद गुण सागर गोपाल, नित तुम कृपा करो हे केशव प्रणवत नाम देवदास। देखिए अब इसका अर्थ पूरा पद देखते हैं। कपट में न मिले गोविंद गुण सागर गोपाल, गोपी चंदन तिलक बनावे कंठं लावे माल, मन प्रतीति नहीं रे प्राणी ओरन को समझाए, लोकन को बेकुंट पठावे आपन जमपुरी जाए, जान बोझी विष खा साई रे, जान बूझी विषसाई रे, अंधे अंधा हाथी देखत ही कुए पड़े, अंधो अंधा साथी जोग जग जप तप तीरथ व्रत, जोग जग जप तप तीरथ व्रत, मन रासे इन पास ज्ञान ध्यान तज दया दीनता हरि के नाई उदास। अरे भजी भगवंत भजन भजी प्राणी छोड़े अनेरी आस, बरना बरन सुबा शुभ भजी करी, बरना बरन सुबा शुभ भजी करी, कौन बयो निज दास, कौन बयो निज दास, कोमल विमल संत जन सूरा करे जुअरी की आस, नित तुम कृपा करो ए केशव, नित तुम्हें कृपा करो हे केशव प्रणवत नाम देवदास, प्रणवत नाम देवदास। प्यारे विद्यार्थियों इस पद में देखिए, प्रस्तुत पद संत नामदेव जी महाराज जी द्वारा रचित है और इसमें ईश्वर की भक्ति के लिए आडंबरों की आवश्यकता नहीं है अपितु ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। ईश्वर की भक्ति आडंबर से नहीं, ईश्वर की कृपा से ही हो सकती है। आडंबर करने से भक्ति नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में ये नामदेव जी महाराज का भक्ति भाव का पद है। और इस पद में नामदेव जी महाराज क्या कहते हैं, नामदेव जी महाराज कहते हैं कि कपट में न मिले गोविंद गुण सागर गोपाल, गुण सागर मैंने गुणों के जो सागर है, गोपाल मैंने भगवान ईश्वर, कि कपट में कि संसार में जो गुणों के सागर भगवान हैं
गुण सागर गोपाल, अर्थात गुणों के सागर जो गोपाल भगवान है, गुणों के सागर भगवान है, वो छल कपट से कभी नहीं मिलते। कपट में न मिले गोविंद, कपट का व्यवहार करने से कभी भी गोविंद अर्थात ईश्वर कभी नहीं मिलता। जो कपट का व्यवहार करता है ऐसे ऐसे व्यक्ति को कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और क्या होते हैं कि गोपी चंदन तिलक बनावे, कंठौ लावे माल। गोपी चंदन का तिलक लगावे और कंठौ माल, और कंठों में गले में कंठ में यानी गले में जो लावे मन लाता है, लगाता है, रखता है, धारण करता है, माल मन माला। तो जो ढोंगी व्यक्ति गोपी चंदन का तिलक लगाता है और गले में मोटी मोटी माला पहनता है, तो ऐसे लोगों को गोपाल नहीं मिलते। गुण सागर गोपाल, ऐसे गोपाल कभी भी उनको नहीं मिलते। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि ये सब तो क्या है, बाहरी दिखावा है, कपटपूर्ण व्यवहार है। केवल तिलक लगाने मात्र से, केवल चोटी धारण कर लेने से, जनेऊ धारण कर लेने से और अन्य अन्य जो तरीके होते हैं सजने संवरने के, कई लोग सजते हैं संवरते हैं इन चीज़ों से और अपने आप को ज्ञानी पंडित दिखाते हैं, आडंबर करते हैं, तो ऐसे कपटपूर्ण आचरण करने वाले लोगों पर नामदेव जी महाराज कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य करते हैं, कहते हैं कि ऐसे लोगों, हे लोगों, ऐसे कपटपूर्ण व्यवहार करने से कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखिए प्यारे विद्यार्थियों आगे क्या कहते हैं नामदेव जी महाराज, कि मन प्रतीति नहीं रे प्राणी और को समझाए। कि मन प्रतीति, प्रतीति मन विश्वास, प्रतीति का अर्थ क्या है, विश्वास। नहीं रे प्राणी, हे प्राणी, हे मनुष्य, तुम्हें अपने मन पर तो विश्वास ही नहीं है। औरन को समझाए, औरन मने अन्य दूसरों को, को मने को समझाए मने समझाते हो, ज्ञानी ज्ञान देते रहते हो। तो नामदेव जी महाराज कहते हैं हे प्राणी, तुझे स्वयं पर तो, अपने मन पर तो विश्वास है ही नहीं और तुम दूसरों को ज्ञान देता रहता है, औरों को ज्ञान देता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, कि लोकन को बेकुंठ पठावे। लोकन मने लोगों को, लोकन मने लोगों को, बेकुंठ मने बेकुंठ, पठावे मने भेजता है। औरों को तो, लोगों को तो क्या करता है, ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं जो पाखंड करते हैं ऐसे लोग दूसरे लोगों को तो स्वर्ग भिजवाने की बात कहता है। और आपन जमपुरी जाए, आपन मने स्वयं ही, जमपुरी मने यमपुरी, जाए मने जाता है, आप लोग तो, आप स्वयं तो यमराज के पास जाते हैं, यमराज की नगरी यमलोक में जाते हैं और दूसरों को बैकुंठ भिजवाने की बात कहते हैं। तो ऐसे कपटपूर्ण आचरण करने वाले लोग जो स्वयं तो यमपुरी जाते हैं और औरों को बैकुंठ भिजवाने की बात कहते हैं तो झूठे हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए कि जानबूझ विष साई रे, साई का अर्थ है सह षटकोण का है, तो प्यारे विद्यार्थियों सह जो मूर्धन्य है प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ पर सह के अर्थ में खाइए के, खै के अर्थ में लेकर के हम कहेंगे तो विष खाइए रे, जानी जानी बूझ विष साइए रे यानी खाइए रे, अंधे अंधा हाथी, अंधा व्यक्ति जैसे दूसरे अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ करके मार्ग पूछना चाहिए या मार्ग पर चलना चाहिए तो कैसे संभव होगा। तो जानी बूझी मैंने जान बूझ करके विष मैंने जहर को साइए मैंने खाता है, ऐसे जो कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले लोग हैं ऐसा व्यक्ति जान बूझ करके जहर को खाता है। और अंधे अंधा हाथी, और जैसे एक अंधा व्यक्ति है वह दूसरे अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ करके मार्ग पर चलना चाहे या मार्ग को पार कराना चाहे तो कैसे संभव होगा। ऐसे व्यक्ति ऐसे ही है जो एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ करके मार्ग पार कराना चाहता है। और ऐसे ही तुम लोग हैं ये पाखंड करने वाले जो लोगों पर नामदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे ही तुम लोग भगवान बैकुंठ पर स्वर्ग को भेजने का कपटपूर्ण आचरण करते रहते हो, बैकुंठ भेजने का आचरण करते रहते हो कपटपूर्ण, स्वयं चाहे यमपुरी जाए लोगों को बैकुंठ भिजवाने की बात करते हैं। और इससे इन लोगों की गति कैसी हो जाती है कि देखत ही कुआ पड़े, कुएं पड़े अंधो अंधा साथी। देखत मैंने देखते ही देखते, कुएं मैंने संसार रूपी कुएं में, कुआ का मतलब कुआ, कुआ है तो कुआ कौन सा, संसार रूपी कुएं में वे पड़े मैंने पड़ जाते हैं अंधो अंधा साथी, जो दूसरा अंधे का जो हाथ पकड़ा है उसके साथ ही स्वयं भी संसार रूपी इस कुंड में या कुएं में गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। समझ में आया? तो ऐसा अंधा व्यक्ति उनकी दशा क्या होती है, दुर्दशा क्या होती है कि
ऐसी लोगों की गति ऐसी होती है, दूसरे अंधे के समान ही होते हैं, जो देखने में ही संसार रूपी देखते देखते ही संसार रूपी कुएं में डूब जाता है और अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता है और संसार से पार नहीं हो पाता, मुक्ति नहीं हो पाती। अब आगे देखिए कि जोग जग जप तप तीर्थ व्रत मन रासे इन पास, कि ऐसे व्यक्ति जो जोग मैंने योग साधना, जग मैंने यज्ञ, जप मैंने जप करना, तप मैंने तप करना, तीर्थ मैंने तीर्थों में जाना, व्रत मैंने व्रत उपवास करना आदि, मन रासे इन पास, मन को रासे मन रखते हैं इन पास मैंने इनके पास में, यानी अपने मन में बसा करके रखते हैं। क्या रखते हैं? अपने मन में योग साधना, जप तप यज्ञ करना, जप तप करना, तीर्थ व्रत आदि है वो अपने मन में बसा करके रखा है। परंतु क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान तज दया दीनता हरि के नाय उदास। अरे योग साधना, जग जप करना, यज्ञ करना, ये तो अपने मन में रखते हैं, लेकिन ज्ञान ध्यान, ज्ञान मने ज्ञान, ध्यान मने ध्यान, तजी मने छोड़ करके दया और दीनता, की दया दीनता ज्ञान ध्यान आदि इन अच्छी चीज़ों को, श्रेष्ठ चीज़ों को छोड़ करके और हरि के नाय उदास, हरि के नाय मने नाम से उदास रहते हैं, यानी हरि के नाम से विमुख रहते हैं, हरि का नाम नहीं लेते, ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, उनसे विमुख रहते हैं और दया दया आपके दया दीनता ज्ञान ध्यान इनको छोड़ करके और हरि के नाम से उदास रह करके, हरि के नाम से हरि का नाम परित्याग करके या उनसे विमुख रह करके भजी भगवंत भजन भजी प्राणी छड़ी अनेरी आस। अर्थात अगर इस प्रकार से भगवान का तू सामीप्य प्राप्त करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, इसीलिए तू क्या कर, भजी भगवंत भजन, यानी भगवंत मैंने भगवान का, भजी मैंने भजन करो, भजन भगवंत भजन, भजी भजी मैंने भजन करो, किसका भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान के नाम का स्मरण करो और भजी प्राणी छोड़ अनेरियास। अब देखो भजी भजी शब्द में यमक अलंकार है, भजी मैंने भजना, दूसरे भजी का अर्थ होता भागना, कि किससे भागो, प्राणी है प्राणी, भजी प्राणी छाड़े अनेरियास, कि भागो हे प्राणी हे मनुष्यों, छाड़े मने छोड़ करके, अनेरी मने अन्य, दूसरों की आस मने आशा में, दूसरे अन्य जो चीज़ें जैसे जप करना, यज्ञ करना, तीर्थ में जाना, व्रत आदि, ये जो चीज़ें हैं इन अन्य चीज़ों को छोड़ करके तुम केवल भगवान का भजन करो, इससे ही तुम्हारी मुक्ति होगी। ये बात कहना चाहते हैं नामदेव जी महाराज। और आगे क्या कहते हैं? आगे कह रहे हैं कि वर्णा वर्ण सुभा सब भजी करी कौन भयो निज दास। वर्णा वर्ण का मतलब वर्ण अवर्ण, वर्ण अवर्ण, शुभा शुभ का मतलब शुभ अशुभ, वर्णा वर्ण का मतलब हो गया वर्ण अवर्ण, यानी रंग भेद करना, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, भजी करी मैंने ये सब छोड़ करके कौन भयो निज, यानी इनका अगर भेद रखते हो, वर्ण अवर्ण का, शुभ अशुभ का अगर भेद रखते हो, भेदभाव रखते हो, तो ऐसे भेदभाव रख करके तुम भला कौन भगवान का दास हुआ है, कौन भयो निज दास, निज दास मैंने उनका अपना दास हुआ है, उनका किनका, परमात्मा का, भगवान का दास ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो वर्ण अवर्ण या जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव और क्या नाम शुभ अशुभ का जो भेदभाव करता है, ऐसा व्यक्ति परमात्मा का दास नहीं हो सकता। आगे देखिए, कोमल विमल संत जन सूरा करे जो हरि की आस। कोमल मने अत्यधिक कोमल, अत्यधिक दयालु जो है, अत्यधिक दयालु व्यक्ति, निर्मल, विमल का मतलब निर्मल, स्वच्छ पवित्र भाव वाले, तो ऐसे दयालु निर्मल पवित्र संत स्वभाव वाले जो जन हैं, संत जन मैंने संजन, संत जो लोग हैं, सूरा सूरा मैंने जो भक्त हैं, अच्छे जो हरि की श्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति ही क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तार्थ करे जो हरि की आस, ऐसे जो हरि की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, हरि की आशा रखते हैं, कौन कौन से, नामदेव जी महाराज कहते हैं कि जो दयालु व्यक्ति है, जो निर्मल मन वाले हैं, निर्मल है जिनका मन, निर्मल है सज्जन व्यक्ति है, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति हरि की आशा करते हैं और वे अपने उच्च गुणों से भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं।
आगे देखिए, नित तुम कृपा करो हे केशव, हे केशव भगवान आप हमेशा कृपा करो, हे भगवान आप मेरे ऊपर कृपा करो। नामदेव जी महाराज कहते भगवान तुम हमेशा मेरे ऊपर कृपा करो और मैं तुम्हारा क्या हूँ, दास, और दास बन के प्रणवत नामदेव दास। नामदेव जी महाराज कहते हैं हे भगवान आप मेरे ऊपर कृपा करो, हे केशव, हे ईश्वर आप मेरे ऊपर कृपा करो, मैं आपको दास, आपका दास हूँ और दास बन करके ही आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरा उद्धार करिए। इस प्रकार से जो है भगवान का दास बनने के लिए कृपा की, भगवान आस कहने का तात्पर्य है कि भगवान का दास बनने के लिए उनकी कृपा की आवश्यकता होती है, बाह्य पाखंड की आवश्यकता नहीं होती है। और उसके लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, निर्मल दयालु सज्जन। जो सज्जन निर्मल दयालु व्यक्ति को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, ये नामदेव जी महाराज कहना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ पद समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आपको क्या लिखना है, मनुष्यों को बाह्य आडंबरों से दूर रहना चाहिए और अपने हृदय को कैसा होना चाहिए, पवित्र भगवान से भगवान के भजन में लगाना चाहिए, अपने हृदय को पवित्र भाव से भगवान के भजन में लगाना चाहिए, बाह्य आडंबरों से दूर रहना चाहिए। और नामदेव जी महाराज का ये भी मानना है कि भगवान की भक्ति केवल उनकी कृपा से ही हो सकती है, भगवान की भक्ति भी सहज नहीं है, उनकी कृपा होगी तो आपको भक्ति करने को मिलेगा। इस तरह से भगवान की भक्ति भी उनकी कृपा से ही हो सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये पांचवा पद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला पद और देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन ये पूरा पाठ हो जाएगा। देखिए, हरि बिन कोर सहाय करे, हरि बिन कोर सहाय करे गो, जो ऐसो अवसर बिसरे गो, तो मरकट को तार धरे गो, कर्म डोरी बाजी घर के बसी नाचन घरी घरी बार फिरे गो, ले लकुटी तोई त्रास दिसावे, जन जन के तू पाई परे गो, जू माल सिर बोझते बोझ बहत है, लालच के संगी लाग मरे गो, जू करलाल जू करलाल चक्री को फेरे, ऐसे तू कहीं बार फिरेगो, भजी भगवंत मुक्ति के दाता, राम कहा कछु ना बिगरेगो, राम कहा कछु ना बिगरेगो, नाम प्रताप राशि उर अंतर, नाम प्रताप राशि उर अंतर, नाम देव सरणे उबरेगो। प्यारे विद्यार्थी अंतिम पद है नामदेव जी महाराज के इस पाठ का, तो साय का हरि भी ने कौन साय करेगो, हरि मैंने भगवान के, ये प्रस्तुत पद संत कवि प्रसंग में क्या लिखना है, प्रस्तुत पद संत कवि नामदेव जी महाराज द्वारा रचित है और यहाँ पर नामदेव जी महाराज राम नाम के स्मरण का महत्व है या राम नाम के महिमा का बखान करते हुए उन्हें ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग बताया है, उससे ही एकमात्र मार्ग है। कि नामदेव जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान के नाम का राम नाम का स्मरण करेगा, राम का अर्थ यहाँ पर उस परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है उससे लिया गया है, तो उस महिमा का जो नाम लेगा, महिमा का गुणगान करेगा, उनसे मुक्ति मिलेगी। अब देखिए कैसे नामदेव जी महाराज कहते हैं, प्राणी हरि बिन कोर सहाय करेगो, हरि मने भगवान, बिन मने बिना, कोर मने कौन, सहाय मने सहायता, करेगो मने करेगा। नामदेव जी महाराज कहते हैं प्राणी कि उन हरि के बिना, उन भगवान के बिना तेरी सहायता कौन करेगा, ठीक है, कौन तेरी सहायता करेगा इस संसार सागर से पार करवाने में। जो ऐसो ओसर बिसरेगो, जो मने यदि, ऐसो मने ऐसा, ओसर मने अवसर, अच्छा समय, सुअवसर, बिसरेगो मने भूल जाएगा, तुम भूला देगा, तो मरकट को अवतार धरेगो, तो मैंने मरकट को, मरकट मैंने बंदर का अवतार, मैंने जन्म होगा, धरेगो मैंने धारण करेगा, या अवतार है वो तुम्हें मिलेगा, जन्म तुझे मिलेगा। देखो भगवान नामदेव जी महाराज कहते हैं कि जो ऐसो अवसर बिसरेगा, यानी हरि के बिना तेरे कोई सहायता करने वाला नहीं है, अगर तू हरि को ही भुला देगा और ऐसे समय में तू ऐसे अच्छे अवसर को कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है और तू भक्ति कर सकता है, परमात्मा के नाम का स्मरण कर सकता है, तो ऐसे सु अवसर को तुम गंवा देगा, भुला देगा उनको, तो फिर तू मरकट को अवतार धरेगा, अर्थात तू बंदर की योनि को प्राप्त करेगा, बंदर योनि में तेरा जन्म होगा, फिर तू क्या करेगा, कर्म डोरी बाजीगर बसी,
कर्म डोरी बाजीगर के बसी नाचन घर घरी बार फिरेगो। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ क्या क्या प्रतीक रूप में बताया है कि फिर तू बुरे कर्म रूपी डोरी के डोरी में बंद करके उस बुरे कर्म रूपी बाजीगर के हाथों में बसीभूत हो जाएगा। देखिए कौन सी डोरी है, बुरे कर्म रूपी डोरी है, उस डोरी के कारण से तू बंध जाएगा, बुरे कर्म रूपी डोरी में तू बंध जाएगा। कर्म डोरी, कर्म डोरी मैंने बुरे कर्म की डोरी से बाजीगर के बसी मैंने बाजीगर के बसीभूत हो जाएगा, बसी मैंने बसीभूत हो जाएगा। और नाचन मैंने नाचोगे घरी घरी मैंने प्रत्येक घर में बार फिरेगो, मैंने कई बार तू घर घर नाचता फिरेगा, द्वार द्वार पर नाचता फिरेगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से बाजीगर बंदर को द्वार द्वार पर घर घर बंदर को नचाता फिरता है डुगडुगी के सहारे और उसको खेल दिखाता है बंदर का, तो इसी प्रकार से यहाँ पर कबीर नामदेव जी महाराज ने मनुष्य को एक बंदर की तरह उपमित करके बताया कि जिस प्रकार से तू बुरे कर्म रूपी डोरी में बंद कर हे प्राणी, तू जो बंदर की बंदर का जो तेरा जन्म होगा तो वह जो बुरे कर्म रूपी जो बाजीगर है वह तुम्हें बुरे कर्म रूपी डोरी में बांध करके तुम्हें घर घर नचाएगा। सांसारिक इस संसार में तुम इस माया के जाल में फंस करके तो घर घर नाचता हुआ फिरेगा, ठीक है। इस संसार में आवागमन से तो कभी मुक्त नहीं हो सकता, ऐसे ही तुम आवागमन में पड़े रहोगे, जीवन चक्र में पड़े रहोगे। ले लकुटी तो इतरास दिसावे, जन जन के तू पाए परेगो। ले लकुटी मैंने ले करके, लकुटी मैंने लकड़ी, तो ही मैंने तुम्हें त्रास मैंने भय डर दिसावे मैंने दिखावे दिखाएगा। ये जो बाजीगर है, ये बुरा बुराई रूपी जो बाजीगर है, बुरे कर्म रूपी जो बाजीगर है, वह तुझे लकड़ी लेकर तुझे डराएगा। ले लकुटी मैंने ले लकड़ी, लकड़ी हाथ में लेकर के, तो ही मैंने तुम्हें त्रास मैंने डर दिखावे मैंने दिखाएगा। और जन जन के तू पाए पड़ेगा, और प्रत्येक व्यक्ति के पैरों में तू पड़ता फिरेगा, अर्थात पैरों में प्रणाम करेगा पड़ता रहेगा। जन जन के तू पाए पड़ेगो, परेगो मैंने पड़ेगा, पाए मैंने पैरों में, तू मैंने तुम, जन जन मैंने प्रत्येक व्यक्ति, तो प्रत्येक व्यक्ति के तू पाओ में पड़ेगा। और वह बाजीगर तुम्हें खेल दिखाने के लिए बाध्य करेगा, लकड़ी से डराएगा। फिर देखिए, जो हमाल सिर बोझ बहत है, लालच के संगी लागी मरेगो। जो हमाल है, हमाल कहते हैं जो पलदार होते हैं, बोझा उठाने वाले मजदूर होते हैं हमाल। हमाल किसको कहते हैं, जो हमें पलदार बोलते हैं, जो बोरी इत्यादि लोग उठाते हैं, वजनदार लोग काम करते हैं ऐसा, तो उनको इतना कठोर काम करना पड़ता है लेकिन पैसे बहुत कम मिलते हैं। तो जो हमाल सिर बोझ बहता है, जैसे हमाल के या पलदार के सिर पर बोझा है, वो ढोता रहता है, वह पलदार थोड़ी सी मजदूरी के लालच में वह जैसे हमाल बोझा ढोते हुए रहता है, अपने जीवन को पूर्ण करता है और उससे मिलने वाली मजदूरी में ही फंसा रहता है। लालच के संगी मालागी मरेगो, वह थोड़ी सी मजदूरी के लालच के संग में आकर के उस अपने जीवन को समाप्त कर देता है, या मरेगो यानी मर जाएगा, मजदूरी में फंसा रहेगा। जैसे हमाल है या पलदार है, वो बहुत बोझा ढोता रहता है और उसकी थोड़ी सी मजदूरी में वह अपना जीवन गुजारता रहता है या फंसा रहता है। और क्या करता है, जूं कला क्रलाल चक्री को फिरे, जय जू मैने जैसे, क्रलाल का मतलब कुम्हार, चक्री मैने चाक, कु मैने को, फेरे मैने फिराता है, जैसे कुम्हार चाक को घुमाता है, उसी प्रकार से तू माया के जाल में फंस करके संसार के आवागमन के चक्कर में पड़ता रहेगा। ऐसे तू कई बार फिरेगो, ऐसे ही तू इस संसार रूपी सागर, इस संसार रूपी सागर में या इस संसार में आवागमन में तू बार बार, तेरा जन्म होगा तेरी मृत्यु होगी, इस प्रकार से तेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो जैसे कुम्हार का चाक में, जैसे कुम्हार के चाक की तरह तू घुमाता ही रहेगा, जैसे कुम्हार चाक को घुमाता है, ऐसे ही तू माया के जाल में फंस कर के संसार के आवागमन के चक्कर में तू पड़ा रहेगा। आगे नामदेव जी महाराज कहते हैं कि भजी भगवंत मुक्ति के दाता, भजी मैंने भजन करो, भगवंत मैंने भगवान का, जो मुक्ति के दाता, जो मुक्ति को देने वाले हैं। नामदेव जी महाराज कहते हैं, हे जीव, हे प्राणी, हे मनुष्य, तुम मुक्ति को देने वाले भगवान का भजन करो। और क्या करो कि राम कया कछु ना बिगड़ेगो, कि राम का नाम लेने से, परमात्मा का नाम लेने से, ईश्वर का नाम लेने से तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए तू नाम ले,
स्मरण कर भगवान का। नाम प्रताप राशि उर अंतर नाव, मने नाम प्रताप मने प्रताप, राशि मने रख करके, उर मने हृदय में, अंतर मने अंतर हृदय के भीतर, तुम भगवान के नाम के प्रताप को अपने हृदय के भीतर रख करके नाम देव शरणे उबरेगो। इसी प्रकार नामदेव जी महाराज कहते हैं, जो भगवान का नाम अपने हृदय के भीतर रखते हैं तो नामदेव जी महाराज के शरणे उबरेगो मने, तो भगवान की शरण में पड़ करके तेरा उबरेगो मन उबर जाएगा, अर्थात नाम अगर भगवान की शरण में पड़ेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि हृदय में किसका नाम रखो, भगवान के नाम का प्रभाव रखने से, उनकी शरण में पड़ने से ही तेरा उद्धार होगा। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। पद विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है, इस पद में भगवान के नाम का या राम नाम की महिमा का या भगवान के नाम के स्मरण की महिमा को बताकर अच्छे कर्म करने की बात कही है कि अच्छा कर्म करो, बुरे कर्म की डोरी मत लो, बंदर मत बनो। राम नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य बहु सागर से पार हो सकता है। केवल राम नाम का स्मरण, नाम की महिमा का बड़ा गुणगान है। तुलसीदास जी ने कहा है ना कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे ही पारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में केवल राम नाम का आधार ही, भगवान के नाम का आधार ही इस बहु सागर से पार कराने वाला है। ऐसे ही नामदेव जी महाराज भी राम ईश्वर के नाम का स्मरण करने की बात कहते हैं। अनुप्रास दृष्टांत उदाहरण और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास दृष्टांत, अनुप्रास है, दृष्टांत है, और प्यारे विद्यार्थियों इसमें उदाहरण अलंकार भी है और काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये था आपका पाठ नामदेव जी के पद, और कल जो हमने तीन पद पढ़ लिए थे, आज चौथा पांचवा और छठा पद। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अगले पाठ जो पाठ 4 रेदास जी हैं उनके पदों की व्याख्या को लेकर के, तब तक के लिए नामदेव जी महाराज की ये जो पद है नामदेव जी के, अब मुझे महाराज शब्द बार बार आता है इनके संतों के आगे लगाने में, तो नामदेव जी के जो पद है, और ऐसे अगर माना जाए तो वास्तव में ये कोई कवि नहीं थे, इन्होंने जो पद लिखे हैं वो कोई प्रसिद्ध होने के लिए इन्होंने नहीं लिखे हैं, लोगों को भगवान की भक्ति के प्रति जागृत करने के भाव से, लोगों के जो है सभी का हित हो, स्वांत सुखाय भी है, साथ साथ जो है लोगों का हित, भोजन हिताय जो पद है, भाव है वो उन्होंने रखा। तो इनको हम भक्त कवि न करके इनको भक्त कवि हम कहते हैं, ये भक्ति है और कवि भी है, और ये इन्होंने जो कविताएं जो पद लिखे हैं वो प्रसिद्धि की प्राप्त करने के लिए नहीं लिखा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो नामदेव जी के जो पद है वो आप पढ़ेंगे, इनकी व्याख्या को ठीक प्रकार से आप याद करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।